पापा अब तो मुझे भंडारे में जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। मुझे बिल्कुल भी जाना ही नहीं है किसी भंडारे में। क्यों बेटा, क्या हो गया? अभी कल ही तो गए थे ना एक भंडारे में, तुम कल तो आए बढ़िया से खा करके। अरे हाँ पापा, गया था तभी तो बोल रहा हूँ ना, कल भंडारे में गया, कल मेरे साथ ऐसा चीज हो गया था जिसके बाद मुझे जाने का कहीं पर बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है अब। अरे बेटा पहले बताओ तो सही, तुम्हारे साथ हुआ क्या है? अरे पापा क्या बताऊँ मैं आपको, देखिए जो मैं कल गया था भंडारे में ना, वहाँ पर जैसे ही मैं अपना मास्क N95 वाला बढ़िया सा एकदम नया एकदम महंगा वाला जैसे निकाल करके नीचे रखता हूँ, उसमें आ करके पनीर की सब्जी डाल दिए, बोले लीजिए भैया और चाहिए तो बताइएगा। अब पूछे वो मास्क है वो, उसको क्या समझ लिए ये लोग। अच्छा बेटा ये बात है, तभी मैं सोच रहा था तुम्हारा मास्क क्यों धुला हुआ है, वैसे तो तुम कभी 2-3 महीने कुछ धुलते नहीं हो। अरे नहीं नहीं पापा आप गलत समझ रहे हो, मैं उसको धोया नहीं था, जिसने उस में सब्जी डाला था उसी को बोला जाओ इसको धुल करके लाओ, तो वही गया धुल करके लाया। मैं इतना कहाँ काम करने वाला, मैं उसको धुलूंगा। यह वीडियो हम लोगों का सिर्फ अटैकिंग स्किल के ऊपर बनाया गया है, अटैकिंग स्ट्रेटजी के ऊपर बनाया गया है, न कि किसी के ऊपर हेट फैलाने के लिए। तो कृपया करके आप लोग अटैकिंग स्किल को सीखिए, न कि किसी हेट को फैलाइए। आप सभी लोगों का धन्यवाद, जनहित में जारी। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग टाउन हॉल 10 पर एक बहुत ही मज़ेदार अटैक देखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को याद होगा हम लोगों के क्लैशिंग अड्डा भाई ने ये एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा ओपी बेस दिया है हम लोगों को, तो डेफिनेटली आप लोग ये बेस यूज़ करिए, CWL में बहुत ही ज़्यादा ओपी है यार। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर हम लोगों के सामने ऐसा बेस देखने को मिलता है तो इसको फोड़ेंगे कैसे। तो इस बेस पर हम लोग ग्राउंड और एयर दोनों अटैक स्ट्रेटजी को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि नोटिफिकेशन नाम की जो एक चीज़ रहती है वो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने स्ट्रेटजी की ओर। तो सबसे पहले हम लोगों की इस टाइम जो ट्रेंडिंग में अपनी आर्मी चल रही है जैप की, उसको यूज़ करेंगे इस पर। आप लोग देख लीजिए यही आर्मी यूज़ करना है हम लोगों को। क्लैन कास्टल में आप लोग इलेक्ट्रो ड्रैगन को ले जाइए और फिर अपना ये जो पॉइजन स्पेल है उसको लेकर जाइए। और अपोनेंट के क्लैन कास्टल में वही ट्रूप्स हैं जो कि क्लैशिंग अड्डा भाई ने यूज़ किया था। तो अब समझते हैं अपने अटैक स्ट्रेटजी को। आप लोग साइड में फनलिंग के लिए बेबी ड्रैगन यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा वैल्यू हम लोगों को प्रोवाइड करता है फनलिंग के लिए ये। अब चलिए लाइटनिंग स्पेल को यूज़ करते हैं। कभी भी आप सीधे डिफेंस के ऊपर लाइटनिंग स्पेल ना यूज़ करिए, थोड़ा उसके साइड में करिए जिससे कि अच्छा खासा वैल्यू हम लोग को मिल जाए इसका। फिर यहाँ पर हम लोग एक और लाइटनिंग स्पेल और फिर जो अपना एयर स्वीपर है उसको भी निकाल देंगे, क्योंकि हवा में उड़ने वाले ट्रूप्स हैं तो हवा में उड़ने वाले ट्रूप्स को वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देगा। साइड में फनलिंग के लिए आप लोग 2 बेबी ड्रैगन रख दीजिए, अकेले रखना है, बढ़िया सा वो फनलिंग करता रहेगा, पागलों की जैसा मारता है। तो अब हम लोगों का इधर का एयर स्वीपर निकल चुका है, तो एयर स्वीपर के अपोजिट साइड से हम लोग अंदर घुसते हैं, क्योंकि हवा में उड़ने वाले सभी ट्रूप्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास 2 रेज, 1 फ्रीज और पॉइजन बचा हुआ है। फ्रीज स्पेल को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सभी को डैमेज दे रहा है, क्योंकि मल्टी इन्फर्नो है भाई साहब, वाट लगा देता है जितने भी ट्रूप्स रहते हैं, हालत ख़राब कर देता है, हालत पंचर कर देता है एकदम से। हम लोग थोड़ा वेट करेंगे कि अपने जो ट्रूप्स हैं वो थोड़ा कोर में आ जाए, फिर रेज स्पेल देना है। पॉइजन स्पेल को आप लोग क्लैन कैसल पर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम लोगों का यहाँ पर क्वीन बहुत ही ज़्यादा मैक्स है, तो इसलिए हम लोग उसी पर यूज़ करेंगे। और आप लोगों को एक चीज़ का बात का ध्यान देना है कि जब अपना इलेक्ट्रो ड्रैगन निकल जाए फिर वहाँ पर एक रेज स्पेल देना ही है, मतलब कि हम लोग को एक रेज स्पेल को बचा कर रखना है इलेक्ट्रो ड्रैगन के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा हम लोगों का ये जो इलेक्ट्रो ड्रैगन है अगर उसके ऊपर रेज स्पेल मिल जाता है तो ये पूरे बेस को खा डालता है। नहीं 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 नहीं, खा नहीं डालता है, पूरा बेस ख़त्म कर डालता है। और आप लोग चाहे जब भी हीरोज़ को यूज़ करिए तो उसमें सबसे पहले किंग को रखिए, फिर उसके बाद क्वीन को रखिए, क्योंकि किंग को मार खाने की बहुत ही ज़्यादा आदत रहती है। और हम लोगों का किंग ऐसे ही इतना शक्तिशाली इतना पावरफुल नहीं बन गया है, ये बचपन में बॉर्नविटा खाया था, चौन प्लस खाया था और पतंजलि के मार ने कितने सारे प्रोडक्ट्स इसने खाए थे,
जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ये पावरफुल है। और यहाँ पर हम लोग क्वीन की एबिलिटी को नहीं यूज़ करेंगे और हम लोगों का ये जो बेस है वो 100% है अब। तो अगर आप लोगों को अपोनेंट में ऐसे बेसिस देखने को मिलते हैं तो आप लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, आराम से आप लोग का 3 स्टार हो जाएगा। तो ये तो रहा हम लोगों का एयर अटैक का स्ट्रेटजी। अब चलिए बढ़ते हैं अपने ग्राउंड की ओर। और फिर ग्राउंड में आप लोग को पता ही है मैं किसको यूज़ करने वाला हूँ, हग्गू कालिया अपना वन ऑफ द बेस्ट है। मतलब कि अब हम लोग करने वाले हैं हॉग्स अटैक। तो चलिए बढ़ते हैं हग्गू कालिया की ओर। तो ये रही हम लोगों की हग्गू कालिया वाली आर्मी। और फिर हम लोगों को अपने सीसी में यूज करना है वॉल्किरी को और फिर फ्रीज स्पेल को। इस अटैक में हम लोगों को ऐसे साइड से अपने किंग और किंग के साथ जाना है जिससे कि अपोनेंट का क्वीन हम लोगों को मिल जाए और फिर जो क्लैन कासल का ट्रूप है वो भी आसानी से मिल जाए। अब यहाँ पर हम लोग जो हवा में उड़ करके नीचे गिरता है मशीन वो वाला यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि सीज बैरिक्स। तो इसीलिए हम लोग जंप स्पेल को भी लेंगे जिससे कि अपने जो हीरोज हैं वो अंदर पहुँच जाए, नहीं तो बाहर ही घूमते रह जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को दो साइड से आसानी से ये जो क्वीन है और फिर क्लैन कासल का ट्रूप है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ऊपर साइड से आते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को फनलिंग करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए हम लोग चलते हैं नीचे से जहाँ पर फनलिंग में भी प्रॉब्लम न रहे कुछ। तो चलिए अभी अटैक करते हैं। साइड में फनलिंग के लिए हम लोग बेबी ड्रैगन को रख देंगे और फिर यहाँ पर जंप स्पेल डालने के लिए आप लोग अच्छे से एकदम बढ़िया से जूम कर लीजिए जिससे कि चील की निगाहों से आप लोग को देखने को मिल जाए। फिर उसके बाद जंप स्पेल डिप्लॉय करिए। यहाँ पर आप लोग किंग को पहले रखिए क्योंकि किंग को मार खाने की आदत है, आप लोग को पता ही है। साइड साइड में दोनों पेक्का रखिए, पेक्का के पीछे एक विजार्ड को रखिए और रेज स्पेल तब यूज करिए जब आप लोग का काफी ट्रूप्स बीच में पहुंच जाए अंदर। और फिर क्वीन भी डैमेज देना स्टार्ट कर दी थी इसलिए रेज स्पेल जरूरी था। यहाँ पर अभी हॉगिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब जो अपोनेंट का क्वीन है वो तो कन्फर्म है कि वो मर ही जाएगी और मल्टी इन्फर्नो है तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम करेगा हम लोगों को। और फिर हॉगिंग स्टार्ट करने के बाद आप लोग पहला जो हील स्पेल डिप्लॉय कर देना है जिससे कि हॉग वहां पर पहुंचे तो उसके पास हेल्थ नाम की कोई भी चीज बची रहे। और जितने भी हील स्पेल आप लोग डिप्लॉय करिए कोशिश करिए कि उसको ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करे और एक के ऊपर एक हील स्पेल कभी ना आने पाए। तो दोनों के दोनों इन्फर्नो हम लोगों का यहाँ पर मल्टी इन्फर्नो थे तो बहुत ही ज्यादा अटैक में इसमें प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आप लोगों का जो स्पेल का प्लेसमेंट है वो अच्छा खासा हो जा रहा है तो आसानी से 3 स्टार होगा। और फिर अभी भी हमारे पास क्वीन की एबिलिटी बची हुई है, अच्छी खासी बची हुई है एबिलिटी, 3 स्टार हो जाएगा अपना हॉग बहुत ही ज़्यादा है। और आप लोग देख सकते हो हम लोग जो क्लैन कासल में वॉल्करी लेकर आए थे वो भी अभी तक नहीं मरी है तो 3 स्टार हम लोग का कन्फर्म है यहाँ पर हो जाएगा। और फिर अपना ये जो हग्गू कालिया मतलब कि हॉग का अटैक है वो वन ऑफ द बेस्ट अटैक है भाई, बहुत ही ज़्यादा ओपी है। और फिर हम लोगों का ये हॉग का इतना ज़्यादा ओपी है कि TS-13 पर हाइब्रिड पर भी यूज़ होता है बहुत ही ज़्यादा। तो 3 स्टार हम लोग का हो गया। तो बस अभी के लिए इतना ही। आप लोगों को स्ट्रेटजी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए चलता हूँ, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग खेलते रहिए क्लैश ऑफ क्लैन और फोड़ते रहिए सभी का बेस।